आगे बढ़ जाते हैं अगले एक सवाल की तरफ सवाल आपसे कहता है वन एंड ऑफ अ सिलिंड्रिकल ग्लास रॉड सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और रेडियस 1 सेंटीमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रेडियस है 1 सेंटीमीटर इज राउंडेड इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर द रॉड इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द वाटर अलोंग द एक्सिस ऑफ द रॉड एट डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द राउंडेड एच

ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फ्रॉम द राउंडेड एज राउंडेड एज से एट ये पूरा जो सिस्टम है, है पानी में रखा हुआ है, 4 3, है पानी का. और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये ग्लास रॉड है ही बनी हुई है सॉलिड है अंदर पानी नहीं भरा हुआ तो इमेज बताना है कहां पर बनेगा तो मैं कह सकता हूं यहां से जो लाइट रे निकलती है वो इस दूसरे मीडियम में जो है आकर रिफ्रेक्ट हो रही है

सॉल्व करिए इसको थ्री बायस वन अपॉन सिक्स चार से गए दो बार तीन में से आठ गया तो एक बटाई कैंसिल आउट हो जाता है v की जो वैल्यू है आपको मिल जाती है इनफाइनाइट यानी जो लाइट है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी यदि इसका रे डायग्राम यदि आप बनाना चाहें तो लाइट यदि आती है ऐसे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है निकल जाने वाली है इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर बच्चों पर टी ट्वेंटी है ऑफ अक्टूबर से जो कि ऑफ अक्टूबर से लेकर ट्वेंटी तक चलेगी डेली टेस्ट होगा सिक्स थर्टी से लेके सेवन पीएम तक ठीक है ना और ये टेस्ट जो लोग अपना आई आई टी जेई का एग्जाम टू जीरो टू टू में देना चाहते हैं यानी कि ड्रॉपर्स और ट्वेल्थ के बच्चे टू जीरो टू थ्री में देंगे इलेवंथ के बच्चे और जो टू जीरो टू में देंगे, के, के स्टूडेंट उनके लिए प्लान की गई है ठीक है बच्चों डेली टेस्ट होगा डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवॉर्ड है इसमें अगर रैंक वन आती है आपकी तो आपको पांच हजार रुपए का एमेजोन का वाउचर टू टू सिक्स को थ्री थाउजेंड सेवन टू ट्वेंटी को टू थाउजेंड ठीक है ना और बच्चों आप अगर विनर हो, तो आपको 20 का स्कॉलरशिप आप तो, तो बहुत ही अच्छा मौका है जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए और एनकेसी सर लाइव एनके ना भूले ठीक है बच्चों चलिए बेस्ट ऑफ लक अगला सवाल हमसे कह रहा है

इस वाले पार्ट पे बाहर की तरफ से हमने एक रिफ्लेक्टिव सरफेस की कोटिंग कर दी जिससे इसका जो इनर पार्ट है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द हेमिस्फीयर एट द डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एक इसके सेंटर से 3r डिस्टेंस पर r r और r यहां पे 3r डिस्टेंस पे सेंटर से यानी कि सरफेस से जो डिस्टेंस है वो 2r के बराबर है

तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमें करना होगा हम इसे इक्विवेलेंट लेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसके बाद, का formula, उसके बाद फिर से रिफ्रेक्शन का फॉर्मूला हमें लगाना होगा तो सबसे पहले सरफेस को कह देता हूं वन सरफेस को कह देता हूं टू और सरफेस को कह देता हूं वन फिर से तो यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट रिफ्रेक्शन कह देते हैं से.

तो मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो लिखूंगा यहां पे लाइट विल विल इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट एफ एट फोकस ठीक है आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एट सरफेस नंबर टू अब जो लाइट है फिर से इस वाले मिरर इस वाले स्फेरिकल्स uh, बाउंड्री से बाहर एयर में जाएगी तो मैं सेकंड रिफ्रैक्शन यहां पे लिख सकता हूं सेकंड रिफ्रैक्शन सेकंड रिफ्रैक्शन यहां पे मैं लिखूंगा सेकंड रिफ्रैक्शन और यहां पे मैं लिखूंगा कि लाइट जो है वो लेफ्ट से राइट right से जा रही है लेफ्ट में जिस मीडियम में वो जा रही है फाइनली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 डिवाइडेड बाय v फाइनल और माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से है कितना 3r/2 सो इट्स 3r/2 इज इक्वल टू 1 3/2 डिवाइडेड बाय r r की जो वैल्यू है r के बराबर है तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है 1/v फाइनल 1/r इज इक्वल टू a 1/2r आपको मिल जाता है तो 1/2r मिल गया माइनस में आपको मिलेगा ये इसको इधर ले जाइए इमेज तो मिल, तो मतलब मिल जाती है फाइनल इमेज आपको मिल जाती है यहां पर तो हमारा आंसर होगा कि ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है रिफ्लेक्टिंग हेमिस्फीयर जो है उसके इस सेंटर uh, पे है इसके सेंट्रल पॉइंट पर आपको इमेज मिल जाती है

इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 वो है प्लस 20 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2 वो है प्लस 30 तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इसका जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम लेंस मेकर फॉर्मूले से बता सकते हैं दैट 1 अपॉन F इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस तो ये आपके पास कितना है 1.6 के बराबर है ये आपके पास 1 के बराबर है सो इट्स इट विल बी विल्स इन टू 1 अपॉन 30. So 30 करेंगे यहां से मिल जाता है उड़ा दीजिए इसे आपको मिल जाएगा ये 100 टाइम सो फोकल लेंथ की जो वैल्यू है आपको मिल जाती है 100 सेंटीमीटर के बराबर अब सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं फोकल लेंथ इन वाटर वाटर यदि में रख दिया जाता है इस लेंस को यानी इसके दोनों तरफ जो है वाटर आ जाएगा तो वाटर आने की वजह से यहाँ पर जो रिफ्रेक्टिव सराउंडिंग का अब यहाँ पे हमें अपॉइंट थ्री रखना होगा सो पहले तो आप क्या करिए इस 1.6 को कन्वर्ट कर लीजिए आप किसको सिक्सटीन अपॉइंट लिख सकते हैं दो से चला गया आठ बार दो से चला गया पांच बार सो एट बाय फाइव इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है

मेड ऑफ अ मटीरियल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू से मटीरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसे बना है एज अ मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन ऑन वन साइड एंड मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री ऑन द अदर साइड यानी दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है लेंस इज बाय कॉन्वेक्स एंड द टू रेडिया ऑफ कर्वेचर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड आर अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द लेंस वेयर है और बीम जो है इंसिडेंट होता है मीडियम से तो दो केसेस के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है ये हमारे पास एक लेंस है बाय कॉन्वेक्स जिसके रेडियस ऑफ कर्विचर दोनों पार्ट के कितने है? आर और आर के बराबर यहाँ का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन है यहाँ का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री है यहाँ का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है लाइट जो है म्यूवन साइड से इंसिडेंट होती है तो क्योंकि दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि लाइट जो है रिफ्रेक्शन के बाद फोकस पर आकर मिलेगी ऐसा नहीं कह सकते हैं वो ट्रू तब होता है जब ये लेंस का मटेरियल डेंसर हो अपने सराउंडिंग मीडियम से और सराउंडिंग के दोनों तरफ जो है सेम मीडियम होता तो हम कह सकते थे कि ये एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा और ये थिन लेंस भी यदि मान लें तो एक पॉइंट पर आके ये कन्वर्ज हो जाता लेकिन यहाँ पे सारी ही कंडीशन नॉन आइडियल है तो हमें इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाना होगा उसके बाद इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन उन लाइट्स का करवाना होगा तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस नंबर वन फ्रॉम सरफेस नंबर वन इस वाली सरफेस से आपको रिफ्रैक्शन करवाना है तो यहां पे मैं लिखूंगा म्यू

रिफ्रेक्ट होंगी और कहीं इस पॉइंट पर आके मिलती हुई ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आके मिलेंगी लेकिन इतने में यहाँ पे दोबारा से रिफ्रैक्शन हो जाने वाला है तो इस वाली सरफेस से जब रिफ्रैक्शन करवाऊंगा तो ऑब्जेक्ट जो है यहां पर माना जाएगा तो यहां पे मैं लिखूंगा कि सेकंड रिफ्रैक्शन सेकंड रिफ्रैक्शन हम लगाएंगे तो यहां लिखेंगे म्यू जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है विच इज दिस म्यू डिवाइडेड बाय इमेज जो है फाइनल लेट्स से बी टू डिस्टेंस पे बनती है माइनस जिस मीडियम से लाइट रे आई है म्यू से डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये विच इज वन अपॉन वी वन यहां मैं लिखूंगा म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय टू इंटू आर प्लस में ही लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू म्यू थ्री माइनस म्यू टू डिड बाय माइनस आर ये आपको यहाँ पे लिखना होगा अब इसे सॉल्व कर लेते हैं म्यू टू से म्यू टू कैंसल आउट हो जाता है और आपको मिलेगा यहाँ पे म्यू थ्री टू इज इक्वल टू इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर और यहाँ मिलेगा प्लस में म्यू टू माइनस म्यू थ्री डिवाइडेड बाय आर नीचे डिनोमिनेटर एक बराबर है तो इनको आप मिला सकते हैं तो म्यू टू म्यू टू टू म्यू टू और आपको मिलेगा टू टाइम्स म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री डिवाइडेड बाय आर और यहां मिल जाएगा आपको म्यू थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहां से मिल जाती है वैल्यू v2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी म्यू थ्री इंटू आर डिड बाई टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू थ्री ठीक है इंसिडेंट हो तब इमेज कहां पर बनेगा यहां पे मैं दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं मान लेता हूं कि लेंस को मैंने पलट दिया है पूरे सिस्टम को पलट दिया है ये म्यू थ्री है ये म्यू वन है और ये म्यू टू है अब देखिए यहां से लाइट जाएगी इधर लिखूंगा मैं म्यू टू बाय माइनस म्यू थ्री बाय माइनस इंफिनिटी टू म्यू टू माइनस म्यू थ्री डिवाइडेड बाय आर फिर लिखूंगा यहां मिलेगा यहाँ पे वी वन और यहां मिल जाता है आपको म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय आर माइनस में आपको मिल जाएगा अब ये दो इक्वेशंस है इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम जोड़ देते हैं

पे रिफ्रेक्टिव, पे आंसर में से जिस साइड से रिफ्रेक्ट हुई है लाइट जिस साइड से इंसिडेंट हुई है लाइट उसके सबसे दूर वाला रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का आंसर में इस्तेमाल हुआ है मतलब सिमिलैरिटी आपको यहाँ पे बताई गई है वैसे कोई दिक्कत है नहीं

तो हमें लोकेशन और नेचर बताना है यदि ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे 9.8 सेंटीमीटर दूर रखा है इन 9.8 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे लेंस फॉर्मूला दैट इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f सो so 1 अपॉन v 1 u 9.8 इज इक्वल टू 1 f

490 सेंटीमीटर दूर आपको इमेज मिलेगी इमेज जो है आपको मिल रही है लेफ्ट साइड में इसका मतलब एक वर्चुअल इमेज जो है आपको यहाँ पे मिलेगी वर्चुअल इमेज मिलेगी ठीक है और वर्चुअल इमेज के साथ-साथ हम यदि इसका साइज यदि देखें तो मैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन इसका बता सकता हूं मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू होता है लेंस के लिए v अपॉन u तो इमेज है -490 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट जो है रखा है 9.8 सेंटीमीटर दूर माइनस में 9.8 तो एक डेसिमल हटा के जीरो यहां पे लगा देंगे 49 से ये गया 100 बार 49 से गया दो बार तो मैग्निफिकेशन 50 आपको मिल जाता है प्लस 50 इसका मतलब इमेज जो है वो इरेक्ट बनने वाली है वर्चुअल बनेगी और जो है साइज में ह्यूज जो है मतलब लार्जली मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड कह सकते हैं वेरी मैग्नीफाइड बहुत ज्यादा मैग्नीफिकेशन है इसका तो आप देख भी सकते हैं कि जो फोकस है हमारा ये फोकस है फोकस से जस्ट पहले की यदि बात करें फोकस से जस्ट पहले जो है हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो बहुत दूर एक तो इमेज बन रही है और इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल है और हाईली जो है मैग्निफाइड है हमारी इमेज ठीक है अब बात करते हैं 10.2 सेंटीमीटर पे यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कहां पर इमेज बनेगी

जीरो यहाँ आ जाएगा पांच से गया ये पांच सौ दस बार पांच सौ दस सेंटीमीटर आपको प्लस में आपको मैग्निफिकेशन तो यदि आप देखें तो वी अपॉन यू आपको मिलेगा पांच सौ दस डिडेड बाय माइनस ऑफ टेन पॉइंट टू तो इक्यावन सौ डिवाइडेड बाय वन जीरो मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन क्योंकि नेगेटिव है इसका मतलब जो है इनवर्टेड इमेज आपको मिलने वाली है और जो है बहुत ज्यादा जो है मैग्निफाइड इमेज आपको मिलने वाली है तो इस सवाल आपको क्या सिखाना जा रहा है ये तो इधर रखेंगे तो इमेज बन रही है माइनस इनफाइनाइट पर और फोकस से जस्ट इधर आप रखेंगे तो इमेज जो है वो प्लस इनफाइनाइट पे बन रही है तो कितना डेरास्टिक जो है डिफरेंस हमें मिल रहा है इमेजेस में यहां से इधर रखते हैं तो इमेज वर्चुअल बन रही है और हाईली है है। हैं, हैं तो हमें इमेज रियल मिलती है और हाईली मैग्निफाइड और इन्वर्टेड इमेज मिलती है तो फोकस कितना सेंसिटिव पॉइंट है जस्ट पहले जस्ट बाद में जो है इमेज बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है लिटरली जमीन पाताल और आसमान का अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है